सागर से इस वक्त की खास अपडेट। सागर में होने वाले रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के संबंध में पत्रकार वार्ता का हुआ आयोजन। ज्योति शर्मा की इस वक्त की अपडेट आप देख रहे हैं। सागर जिले में आगामी 27 सितंबर को रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। इसके संबंध में गुरुवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन होटल क्राउन पैलेस में किया गया। इसमें मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव सागर के जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी मैदान में 27 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। कॉन्क्लेव में लगभग 3000 से अधिक प्रतिभागियों का भाग लिया जाना प्रस्तावित है। इसमें प्रमुख उद्योगपति, विभिन्न उद्योग संघों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रेस वार्ता में 27 सितंबर को सागर में आयोजित होने वाली रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी गई। उल्लेखनीय है कि रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का उद्देश्य सागर संभाग में उद्योग से संबंधित संभावनाओं को देखकर उद्योगपतियों को मंच प्रदान करना है, साथ ही मुख्य रूप से MSME सेक्टर की छोटी इकाइयों को बढ़ावा देना है। कॉन्क्लेव मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मिनरल्स, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, एग्रो फूड, ODOP सहित विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा देने साथ ही उनके उत्थान के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जाएंगे। इस कॉन्क्लेव में देश भर के प्रख्यात औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कॉन्क्लेव के जरिए मध्य प्रदेश सरकार का सभी इंडस्ट्रियों को बढ़ावा देना, साथ ही स्थानीय वेंडर्स के लिए व्यवसाय करने के लिए पर्याप्त अवसर व सभी के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाना है। ज्योति शर्मा की खास अपडेट। अलावा पन्ना में हीरा के अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे छतरपुर में वुडन है, बहुत सारा लकड़ी का कारोबार वहाँ होता है, फर्नीचर का। दीपकपुर में अदरक बहुत होता है, पन्ना में आंवला बहुत होता है, दमोह में चना बहुत होता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर भी यहाँ विशेषज्ञ आएंगे, अपनी राय देंगे, विचार करेंगे। और यहाँ पर खास करके पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग एवं डेयरी, MSME स्टार्टअप, ODOP वर्कशॉप पर विशेष रूप से विचार व्यक्त किए जाएंगे और जिनकी संभावना है कि इन प्रोडक्टों में लोग अपना उद्योगों में निवेश करेंगे। पिछली समिट में हिंदी भाई साहब उनमें कितने उद्योग आ पाएंगे? उद्योग उत्सव भी आएंगे, पर वो समय इस समय में अंतर है, ये रीजनल है और इसमें लोकल के उद्योगपतियों को आमंत्रित ज़्यादा किया गया है। बड़े उद्योगपति तो आएंगे, पर हमारे पति जी का सोचना है कि छोटे उद्योगपति जो हैं जो अपना कम पैसों में भी निवेश करना चाहते हैं, उनको भी भरपूर सहयोग दिए जाएगा, जगह उनको दी जाएगी, पूरा सरकारी अमला की तरह सहयोग दिया जाएगा। और तो खास करके मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब उद्योगपतियों को हम बुलाते हैं, मान सम्मान के साथ मलक कमाल उठाकर कहते हैं हमारे यहाँ आप निवेश करिए, तो उनको सुविधाएँ भी दी जाएंगी। जैसे कलेक्टरों से कहा उन्होंने कि इनको डे वन से इनको दो सुविधाएँ चाहिए, उनको सुविधाएं दो। मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि मैं स्वयं इसका अपडेट दूंगा, उनको क्या क्या परेशानी हो रही है उनको सुविधाएं दो। कॉन्क्लेव का जब से आप चला रहे हैं।